नमस्कार दोस्तों, सनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में झलर लाइट रिपेयर करना बताऊंगा। ये हमारे पास एक झलर लाइट है, एडेप्टर वाली है, आप देख सकते हो। इसका एडेप्टर में तीन वायर लगी हुई है, इधर की दो वायर इसकी टूट चुकी है। ये हमारा स्विच है जिसको हम प्रेस करने से कलर चेंज करते हैं। तो इसमें ये तीन वायर लगी हुई है, इधर की दो वायर टूट चुकी है, तो ये लड़ी ऑन नहीं हो रही थी। ये पुश बटन है जिससे इसका कलर चेंज होता है। ये हमारे पास डिब्बी है, ये इसके ऊपर का बटन है। तो आपने किस प्रकार से करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे पास इसकी वायर है जो टू पिन लगा होता है। इस प्रकार आप घर बैठे खुद ही कर सकते हो, या किसी भी मिस्त्री भाई की दुकान पर जाकर 10 रुपये में सोल्डिंग करवा सकते हो। सबसे पहले आपने दोनों वायर पर सोल्डिंग कर लेना है। ये बहुत ही कमज़ोर वायर होती है, वायर पे सोल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद जो आपका वायर का साइज लंबा है उस वायर को आपने आगे से कटिंग कर देना है। वायर पे सोल्डिंग बहुत ज़रूरी आपने करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो इस चिप में दो पॉइंट होते हैं। इसमें न्यूट्रल फेस का कोई पॉइंट नहीं है, नहीं इसमें कोई प्लस माइनस है। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, दोनों पॉइंट अलग ही दिख रहे हैं। दोनों पॉइंटों पर आपने वायर को सोल्डिंग कर लेना है। तो हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं इन दोनों वायर पे, फिर आपको जड़ा कर भी दिखाऊंगा ये लड़ी। अगर किसी भाई का तार टूट चुका है या कोई दिक्कत आ गई तो अपनी झलर लाइट को फेंके ना, 10 रुपये में किसी भी दुकान से सोल्डिंग करवा कर उसको ठीक करवा ले। तो ये देख सकते हो हमारा सोल्डिंग हो चुका है। उसके बाद आपने वापसी इसके अंदर ये स्विच को रखना है, जिस साइड हमारा बटन है। कुछ इस प्रकार से आपने सेट कर लेनी है। जो आपका बटन है उसको भी प्रेस करके देख लेना है। यहाँ पर इसका लॉक दिया हुआ है, ये लॉक में डल चुका है। उसके बाद आपने वापसी से कवर लेना है, कवर को ऊपर रख कर दबा देना है। ये आपका कवर लग गया है। अब आपको ये बटन चेक कर लेना है, अंदर की तरफ तो नहीं गया। अब हम इसको सप्लाई में लगा कर चेक करते हैं हमारा लड़ी वर्क कर रहा है या नहीं। इस प्रकार से आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वर्क कर रहा है। अब हम एडेप्टर का स्विच दबाते हैं, ये चेंज भी कर रहा है, देख सकते हो। ये 20 मीटर की लड़ी है। तो हमारी लड़ी रिपेयर हो चुकी है। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।